बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के रघुबरपुरा वार्ड के निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने रघुबरपुरा इलाके के धर्मशाला में टीकाकरण पंजीकरण कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में आकर 45 साल के ऊपर का नागरिक कोरोना टीका के लिए पंजीकरण करा सकता है। श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मना रही है। इसके तहत रघुबरपुरा वार्ड के धर्मशाला में टीकाकरण पंजीकरण केंद्र खोला गया है। इस केंद्र में अब तक 102 लोगों ने पंजीकरण करवाया है, जिन्हें 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टीका लगवाने का समय दिया गया है। श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि टीका केंद्रों पर भीड़ को देखते हुए पंजीकरण के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को इंतजार न करना पड़े और जाते ही वैक्सीन लग जाए। बुधवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक पंजीकरण होगा। 11 अप्रैल को फूले जी की जयंती और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में निर्णय लिया है कि हम लोग टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन करें। उसी संदर्भ में आज रघुबरपुरा वार्ड में पंचायती धर्मशाला में टीकाकरण रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जो 45 वर्ष से ऊपर है उनका टीकाकरण समय से हो जाए, ताकि महीने बाद दूसरा टीका भी उनको लग सके। टीकाकरण समय से होगा तो जो कोविड का फैल रहा है, आज की डेट में कोविड की फैलने की गति बहुत तेज हो गई है, लोगों कोविड से बचेंगे। मेरी सभी से अपील है कि समय से आकर अपना टीका लगवाएं, टीकाकरण करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवा के चाचा नेहरू हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल जहाँ भी आपको डेट मिलती है।